ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 12। टॉपिक 3-5 की बातें नहीं करो, 1 की बात करो। ब्राह्मण जीवन में हीरो पार्टधारी बनने की जीवन में पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या 1 का हिसाब। बस 1 को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। 1 लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, 1 की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती हैं, 1 को याद करना, 1 को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो? 1 ही सीखते हो ना, 1 में ही पदम समाए हुए हैं। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता 1 का ही बताते हैं। 1 का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार 1 में समाया हुआ है, सब ज्ञान आ गया ना। डबल फॉरनर्स तो 1 को अच्छी तरह जान गए हैं ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए 1 का हिसाब सुना दिया। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 1984। टॉपिक जैसा कर्म जैसी भावना वैसे फल मिलता है। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती है। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी, जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहाँ तक शक्ति होती वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथा शक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसे फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 1984। टॉपिक आपकी जीवन कहानी से कहानियां बना दी हैं। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी हैं, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं तो हर उत्सव की कहानियां बना दी हैं। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी हैं। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई होली की कहानी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी, लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे, संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए यह कथा कहानियाँ कीर्तन यह साधन अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो,
या याद में बैठ जाते हो, वो उस समय क्या करें? प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे? इसलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बनाई है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 1984। टॉपिक, बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 1984। टॉपिक, संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है। बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ। टॉपिक, प्राप्ति का आधार बिंदु है। संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 1984। टॉपिक, मैं हल्का हूँ न्यारा हूँ तो बातें हल्की। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूँ न्यारा हूँ तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुपतु होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है
और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं। तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, हे लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। अव्यक्त वाणी 10th April 1984। टॉपिक, सदा महानता ही सोचो। पार्ट बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है। सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो। यही विशेष सेवा है। क्यों क्या मैं नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। समझा? अव्यक्त वाणी 17th April 1984। टॉपिक, राज्य सत्ता ठीक है तो पद्मों की कमाई, नहीं है तो पद्मों की गवाई। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं। कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ कभी पांव धोखा दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गवाई होती है। प्राप्ति भी एक की पद्म गुणा है। तो और फिर आगे गवाते हैं तो एक का पद्म गुणा गवाते हो। जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है। तो सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो। आँख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही है या नहीं, यह चेक करते हो या थक कर सो जाते हो। वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना। अव्यक्त वाणी 24th April 1984। टॉपिक, एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए।
कोई झंझट नहीं, बेफिक्र है। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। खाओ पियो मौज करो और क्या काम, अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो, कितने श्रेष्ठ बन गए। दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो, समझते हो ना कि दुनिया के झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए, ऐसे सेफ हो। कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे, ऐसी दिन होती है। यह कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। अव्यक्त वाणी, 11 मई 1984। टॉपिक, भोलानाथ भी है लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं, वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रलब्ध व डिग्री देते हैं, वह क्या वर्णन करते हो? सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो? संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो? 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो, तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कणे का घणा करके है और हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे संवत 1111 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख, नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। अव्यक्त वाणी, 3 दिसंबर 1984। टॉपिक, शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। वहां वहां करने वाले तो बने, अभी वारिस बने, अभी ऐसा कोई आवाज बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं, तो अभी उसकी विधि वातावरण ऐसा हो, स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है लेकिन शांति और शक्ति उसमें और थोड़ा एडिशन करो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। यह आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है
लेकिन रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 1984। टॉपिक, अब वापस घर जाना है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुकतु का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है, लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु। इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है, तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। ना सहज मृत्यु ना सहज जन्म है, तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 1984। टॉपिक, कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतु करती है, लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतु करती है, ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतु होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं, तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतु नहीं होगा, वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं, इसलिए यह हिसाब किताब चुकतु की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है, समझा। यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। टॉपिक, हिसाब चुकतु अर्थात उड़ती कला। स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश व किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश, यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती हैं, तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतु अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कब कब प्राप्ति है, कब है
तो अब रहा हुआ है तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन ही है बाग की छत्र छाया। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 1984। टॉपिक, एक गुण की कमी भी समय पर फेल कर देगी। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सा माचिस रह गया तो अनाज क्या करेंगे। अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। यह नहीं सोचो, याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्षा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर वन है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। टॉपिक, एक ही बात याद रखो तो वन नंबर हो जाएंगे। जहां दो चार बातें होती हैं तो सोचने को मार्जिन हो जाती, जब एक ही रास्ता है तो कहां जाएंगे। तो यहां मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है, एक पाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो वन नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस, कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ हैं, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। ना किनारा हो ना माया आए, एक का ही महत्व है। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 1984। टॉपिक, सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है। सदा ही सेवा की स्टेज पर हो, ऐसी मंडली है ना। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। यह श्वास चलता ही रहता है ना, ऑटोमेटिक, ऐसे सेवा स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। कितने घंटे सेवा की यह हिसाब निकाल सकते हो। धर्म कर्म है ही सेवा, चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा। तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी, जो भी संकल्प उठता उसमें सेवा समाई है। हर बोल में सेवा समाई हुई है, क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली वाले महान आत्माएं हैं। अच्छा, अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 1984। शांति।